नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी ट्रेनों से नियमित सफर करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। कोरोना काल के बाद से अगर आपने भी एसी में सफर किया होगा तो यकीनन आपको भी अपने सामान के साथ साथ अपने बेडरोल का भी बोझ उठाना पड़ा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आप ट्रेन में सफर सिर्फ अपने सामान के साथ ही कर सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप पूर्व मध्य रेलवे से सफर करते हैं तो जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे की सभी 42 ट्रेनों में आपको पहले की ही तरह बेडरोल मिलने वाले हैं। 7 जुलाई तक उन सभी ट्रेनों के वातानुकूलित कोच यानी कि एसी कोच में यात्रियों को बेडरोल की सुविधा मिलने लगेगी, जिसमें अभी बेडरोल फिलहाल उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। 4 ट्रेनों में 27 मई तो बाकी 11 ट्रेनों में 7 जुलाई से बेडरोल उपलब्ध करवाया जाना है। इसमें मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली दरभंगा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस और सहरसा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का नाम भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे की 42 ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिनमें से 20 ट्रेनों में भी अभी यात्रियों को बेडरोल की सुविधा दी जा रही है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों की माने तो यहां पर्याप्त संख्या में आपूर्तिकर्ता चादर कंबल की आपूर्ति नहीं करवा पा रहे हैं, इससे ही सभी ट्रेनों के यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। बोर्ड के आदेश में 1.5 महीने बाद भी सभी ट्रेनों में बेडरोल उपलब्ध नहीं होने से आए दिन यात्री अपना गुस्सा ट्रेन में तैनात कर्मियों पर उतारते हैं। वैसे तो बेडरोल सभी ट्रेनों में अनिवार्य है, लेकिन कोरोना के कारण ये सुविधा बंद कर दी गई थी। हालांकि अब कोरोना के मामले एक बार फिर से स्थिर होने लगे हैं, ऐसे में पिछले 10 मार्च से ही रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर लंबी दूरी की ट्रेनों में बेडरोल उपलब्ध करवाने को कहा था। इसी बीच 2 साल के अंदर रेलवे में उपलब्ध बेडरोल खराब भी हो गए थे। धुलाई की शर्त ऐसी भी रखी गई थी कि पहले की कई एजेंसियां बेडरोल धुलाई के लिए तैयार ही नहीं हुई। नए सिरे से अब बेडरोल की आपूर्ति के लिए भी आपूर्तिकर्ता और अधिक समय की मांग भी कर रहे हैं, जिसके बाद ही अब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि अब यात्रियों को ट्रेन में खुद का बेडरोल लेकर चलने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि संक्रमण के दौर में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बेडरोल की व्यवस्था को बंद किया गया था, जिससे संक्रमण ना फैले। लेकिन अब कोरोना के मामलों में जैसे कि आप गिरावट देख रहे हैं, तो अब उम्मीद यही है कि यात्री भी पहले की तरह ही आराम से ट्रेन में बिना किसी फिक्र के सफर कर पाएंगे, जिससे उम्मीद तो ये भी है कि यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता भी अब खत्म हो जाएगी। हालांकि रेलवे की तरफ से जारी किए गए इस नए फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।